इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एसएस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखने की अनुमति न मिलने पर जमकर हंगामा बरपा। प्रोटेम स्पीकर के फैसले से भाजपाई विधायक इतने आग बबूला हुए कि सदन की दिन भर की कार्यवाही से बहिष्कार कर गए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। इसके बाद बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने मत विभाजन की मांग की, जिस पर मतदान हुआ और इसमें अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार एनपी प्रजापति को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वोटिंग में बीजेपी विधायकों ने हिस्सा न लेते हुए विधानसभा से पैदल मार्च किया और राजभवन जा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए न्याय की मांग की। बीजेपी ने अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि जब सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो प्रोटेम स्पीकर ने नियम 5 का हवाला देकर वोटिंग न कराते हुए एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। हालांकि बीजेपी विधायकों के विरोध को देखते हुए प्रोटेम स्पीकर ने बसपा विधायक के डिवीजन की डिमांड को मान लिया और फिर मत विभाजन करवाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था तो वो अध्यक्ष पद के लिए मैदान में क्यों कूदी, और जब मैदान में उतर ही गई तो फिर वोटिंग के दौरान क्यों सदन छोड़ा। इसके अलावा एक अहम सवाल यह भी है कि राज्यपाल के अभिभाषण में भाजपाई क्यों शामिल नहीं हुए। तो चलिए जनता मांगे जवाब में आज चर्चा विधानसभा में घमासान के इसी मुद्दे पर करते हैं। तो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने प्रजापति को अध्यक्ष बनाने जाने के लिए सत्ता पक्ष के प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के प्रस्ताव को ये तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया कि पहले शुरू के प्रस्तावों पर फैसला होगा, उसके बाद फिर उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाए। जिस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं तीसरी बार जब कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायक सदन छोड़कर राजभवन की ओर कूच कर गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनिमत और मत विभाजन से अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को अपनाने का ऐलान किया और फिर 120 मतों के साथ एनपी प्रजापति अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन इस दौरान सदन से लेकर सड़क तक खूब घमासान देखने को मिला। तमाम सवालों को लेकर अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, चलिए उसके पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर हंगामा, सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष का विरोध। बड़ा सवाल, संख्या बल कम होने पर भी बीजेपी ने क्यों ठोकी तार। मध्य प्रदेश में विधानसभा शीत सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामे के बीच एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। हालांकि विपक्ष ने चयन प्रक्रिया का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीजेपी प्रोटेम स्पीकर द्वारा कांग्रेस के एनपी प्रजापति को बिना वोटिंग के विधानसभा अध्यक्ष घोषित करने का विरोध कर रही थी। वहीं जब वोटिंग हुई तो बीजेपी विधायक अनुपस्थित रहे। इस तरह एनपी प्रजापति को 120 मत मिले। दीपक सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर होने के कारण वोट नहीं डाला। अध्यक्ष चुने जाने के बाद नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने पदभार ग्रहण किया। इधर विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया और विधानसभा में हुई प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे इतिहास का काला दिन बताया।
आज का दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की मान्यताओं को तार तार किया गया है, परंपराएं तोड़ दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुए घमासान में कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पच नहीं रहा है। इतना ही नहीं, दिग्गी ने ये भी कहा कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश की, उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। विपक्ष में बैठना पच नहीं पा रहा, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, आ जाओ, तोड़ फूट की पूरी कोशिश की गई। मैं तो उन विधायकों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिनको ये ऑफर दिए गए। इधर दिग्विजय सिंह के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को बीजेपी ने न सिर्फ सिरे से नकारा बल्कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गपबाज बता दिया। कितनी बड़ी गप है हिंदुस्तान में आपने कभी सुनी होगी? आपने कभी सुनी होगी कोई विधायक 100 करोड़ क्या कहलाता? दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की बात गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो सबसे बड़े गपबाज हैं हिंदुस्तान के। विधानसभा में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा तो हुआ ही, साथ ही जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। लेकिन इस बीच कुछ बड़े सवाल भी थे, उनमें एक तो यही कि जब बीजेपी के पास जरूरी संख्या बल था ही नहीं तो फिर उसने अध्यक्ष पद के लिए ताल क्यों ठोकी, और दूसरा सवाल ये कि विधानसभा में अध्यक्ष को लेकर हुए घमासान के बाद जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ तो बीजेपी विधायक उसमें क्यों शामिल नहीं हुए? आखिर इससे भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? कुल मिलाकर देखें तो मंगल को जो सियासी दंगल हुआ उसके बाद विधानसभा में आगे भी हंगामे के खूब आसार हैं। तो अब देखते हैं आगे सदन की सियासत कैसी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत अपनी तरफ से सदन में एमपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के 4 प्रस्ताव रख दिए, लेकिन 5वां प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रखने जा रहे थे तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रोक दिया और एमपी प्रजापति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रोटम स्पीकर ने 4 प्रस्तावों पर स्वीकृति लेने के बाद बीजेपी को अपना प्रस्ताव रखने को कहा। इस पर बीजेपी ने सदन में कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जब एक ही नाम का प्रस्ताव सदन में आया है और दूसरे उम्मीदवार का प्रस्ताव रखने नहीं दिया गया तो वोटिंग किसके बीच कराई जाएगी, लिहाजा इसे लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में जोर शोर से नारेबाजी की। इस दौरान 2 बार सदन की कार्यवाही 10-10 मिनट के लिए स्थगित की गई। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव राणी जी। इस राणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हरदीन सिंह डंग जी हैं। डंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी सेरा भैया हैं। सेरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस राणी जी, जो भी आज हुआ, हालांकि आपने कहा कि परंपरा कभी नहीं टूटेगी, बीजेपी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी और ये परंपरा टूटती जा रही, लेकिन आज जो हुआ 1962 में हुआ, 1967 में हुआ, अगर दो अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हैं तो दोनों के बीच में वोटिंग हुई, या और बात है कि सत्ता पक्ष के अध्यक्ष ही दोनों बार चुने गए, चाहे कुंजीलाल दुबे जी रहे हों चाहे काशिप प्रसाद पांडे रहे हों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इनके पास संख्या बल था, समर्थक थे, सेरा जी अभी बताएंगे कि वो लोग किसके साथ थे। नियम 5 क्या है और नियम 5 का हवाला देके शुरू के 4 प्रस्ताव स्वीकार किए गए, 5वां प्रस्ताव जो कार्यसूची में था, जो शिवराज सिंह जी की तरफ से विजय शाह को अध्यक्ष बनाने का था, उसको स्वीकार नहीं किया, ये संसदीय परंपरा या संसदीय नियमों के तहत ये उचित था या अनुचित था? देखिए, नियमानुसार जो है प्रस्ताव एक एक करके लिए जाना चाहिए, ये बात सही है जी। और 1 से 4 तक के प्रस्ताव लिए भी गए जी। थोड़ी सी व्यवधान ये आया कि 5वां प्रस्ताव कंटिन्यूएशन में क्यों नहीं लिया जा रहा है, लगातार में क्यों नहीं लिया जा रहा है जी। उसी पर से विवाद शुरू हुआ जी। और उसके बाद विवाद के बाद ही सभा की कार्यवाही 1-2 बार स्थगित भी हुई जी। लेकिन फिर एक बात जो घटनाक्रम हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो ये हुआ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और विधि विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा जी माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास गए, माननीय शिवराज सिंह जी के पास गए,
और उनसे चर्चा की तो पांचवा प्रस्ताव लेने के लिए सहमति बन गई। लेकिन बीजेपी को मंजूर नहीं था कि साहब अब नहीं, जो भी कारण रहा उनका, अपने राजनीतिक कारण सबके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव पांचवा लेने के लिए सहमति नहीं बन गई थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने भी हाउस में कहा और हाउस में भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने फिर कहा, लेकिन तब तक बीजेपी वॉकआउट कर चुकी थी जी। हाँ, लेकिन पांचवा प्रस्ताव लेने में कोई नुकसान नहीं था, ये सही है। नहीं तो क्या जैसे एनपी प्रजापति जी को अध्यक्ष बनाए के ही लगातार चार प्रस्ताव थे, ऐसा भी होता है क्या? नहीं देखिए, क्या है, परंपराएं नियम बदलते रहते हैं जी, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा भाई पहले प्रस्ताव पे पहले पर निर्णय ले लेते हैं फिर दूसरे पे ले लेते हैं, पहले पे अगर सहमति बहुमत बन जाता है तो फिर दूसरे को लेने की जरूरत नहीं। ये उनका अपना मत था, जो भी सचिवालय का मत था। चार प्रस्ताव लगातार वही थे। हाँ, चार प्रस्ताव एनपी प्रजापति जी के ही थे जी। चार प्रस्ताव एनपी प्रजापति जी के थे और वो उनका ये सचिवालय ने जो प्रस्ताव बनाया वो सचिवालय ने जो भी सोच के बनाया, माननीय प्रोटेम स्पीकर से सोच के जो भी बनाया, उन्होंने ये कहा कि पहले इन पे मत ले लिया जाए फिर दूसरे पे लिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि पांचों प्रस्ताव आ जाते फिर एक पहले ही प्रस्ताव पे सहमति ले ली जाती, मतलब उस पर वोटिंग हो जाती, फिर बाकी चार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा भी हो सकता था। तो तरीके कई होते हैं, अब वो जो तरीका अपनाया गया वो बीजेपी को पसंद नहीं था जी। संसदीय परंपरा के अनुसार तरीका जो अपनाया गया उचित था क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि पहले जो पांचों प्रस्ताव लिए जा सकते थे और संसदीय प्रक्रिया यही कि पांचों प्रस्ताव जैसे ले लिए गए फिर पहले प्रस्ताव पे पहले मत लिया जाए जी, बाकी चार पे बाद में लिया जाए, पहले प्रस्ताव पे अगर जो भी निर्णय हो जाए तो बाकी चार लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये भी एक परंपरा है। दूसरा ये है कि देखिए जो नियम सात है, पांच नहीं है, नियम सात चार है जी। उसमें ये कहते हैं कि भाई सब प्रस्ताव लिए जाएंगे और उनपे मत विभाजन कराया जाएगा और उस पर निश्चय होने के बाद जरूरत हो तो अगला प्रस्ताव लिया जाएगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है उन्होंने अपने तरीके से निकाला माननीय प्रोटेम स्पीकर ने, यही हुआ है बस जी। उनका कहना यह है कि बीजेपी का, अभी खैर यशपाल जी बताएंगे, आरोप यह है कि जब दूसरा प्रत्याशी ही नहीं है तो वोटिंग किसके बीच है? अब ये तो अधिकार है, देखिए बीएसपी के विधायक ने वोटिंग मांगी, वोटिंग हो गई। देखिए आपने, देखो मैं आपको एक बार बताऊं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं जी, मैं तो एक अधिकारी रहा हूं जी। बीजेपी ने खुद अपना प्रस्ताव दे करके बहिर्गमन करके खुद ही अवसर दे दिया इनको बहुमत सिद्ध करने का जी। अब ये बन गए, अब क्या करेंगे उसको? यशपाल जी बता दीजिए आप ही, ऐसा क्योंकि आपने, जब आपके पास संख्या बल था नहीं तो पहले आपको परंपरा नहीं तोड़नी थी। परंपरा टूटी है 1962-1967 में टूटी है, लेकिन उसके बाद कभी इस तरह की परंपरा नहीं टूटी है। और आपके पास संख्या बल नहीं था, फिर आपको लगता है आज थी क्रॉस वोटिंग की, आप ये चाह रहे थे कि दोनों के बीच में चुनाव हो, जो नाराज विधायक हैं हो सकता है आपको वो क्रॉस वोटिंग के जरिए आपको मत दे दे, और जब आपको लगा कि ये दाल नहीं गलने वाली तो आपने खुद बहिष्कार कर दिया। देखिए त्रिपाठी जी, दाल गलने और न गलने का तो सवाल कब आता जी, जब तय शुदा एजेंडा जिसको हम कार्यसूची बोलते हैं जी। और मुझे लगता है कि सचिवालय की कहीं कहीं बहुत बड़ी त्रुटि इसको भी है, अगर एक ही उम्मीदवार के लिए चार अलग अलग प्रस्ताव समर्थक होते हैं जिनके नाम पढ़े जाते हैं जी, और ये बात सामने आई है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि स्पीकर के पद के लिए जो प्रस्ताव आए हैं वो कितने बैलेंसिंग है, उसमें निर्दलीय भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है, और ये कर कर करके जब ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी तो सिर्फ एक बात की आपत्ति हम लोगों की जी। कार्यसूची में अगर आपने एक उम्मीदवार के, फिर मैं जानना चाहूंगा कि क्या फिर मत विभाजन के पहले का ध्वनि मत से अगर निर्णय होता तो गोविंद सिंह जी ने जो पहला प्रस्ताव रखा है नर्मदा जी के लिए उसके लिए होता, फिर बाद में क्या आरिफ जी उसका समर्थन करके, फिर क्या कुंवर विक्रम सिंह जी फिर वोट पड़ते, उनकी उनकी बात आती भेजनाथ जी उसका समर्थन करते, ऐसे करते करते क्या चार वाला आता क्या? सचिवालय को 1+1 करना था, और शिवराज जी ने जो उठकर के आपत्ति करी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनकी इसी बात की आपत्ति थी कि हमको अवसर पूरी दिया जा रहा। अब आप बताइए कि मतदान की प्रक्रिया हुई है, ये चुनाव की प्रक्रिया है, त्रिपाठी जी कोई सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन की प्रक्रिया थी, बकायदा फॉर्म सचिवालय से जारी हुए हैं, उसको उम्मीदवारों ने लिए हैं, उनके समर्थकों ने जाकर के प्रस्ताव किए हैं, प्रस्ताव थे, समर्थक थे, तो चुनाव की प्रक्रिया को इस प्रकार से सदन में जिस प्रकार से लाया जाकर के डिसोबे किया गया, मैं तो कह रहा हूं कि वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप मैं खुद जानना चाहूंगा कि डिवीजन की स्थिति तब बनी जब हम वॉकआउट कर गए, उसके पहले डिवीजन की स्थिति में अगर आप
अगर ये बोलते हैं, आपने मौका ही नहीं दिया, आप वॉकआउट करके चले गए, तो हमारी बात सुनी कहां जी? प्रोटम स्पीकर मुझे तो लगता है कि इसी बात के लिए बनाए गए थे, इसीलिए सात सात आठ आठ बार के जो वरिष्ठ स्तंभ जो सीनियर एमएलए थे उनको नहीं बताया, क्योंकि वो जानते हैं नियम क्या होता, कानून क्या होता, प्रक्रिया होती है। और दीपक जी को शायद इसीलिए बताया गया था कि जैसा हम कहें जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अरे ऐसे तो प्रोटम स्पीकर आपने भी केडी देशमुख को बनाया था, सूरज जी ने बनाया था, और बाबूलाल गौर और कहां निर्मित हुई थी, निर्विरोध हुए हैं हुआ था। लेकिन स्पीकर पे जो आप बोल रहे हैं, चौथी बार बने पार्टी जी, मेरे बगल में बैठे हैं माननीय रानी जी, जी जिनके सानिध्य में मैंने 10 वर्ष तक विधानसभा में बहुत कुछ सीखा है, वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये प्रक्रिया का कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि हुई है, चूक हुई है। हमारा सिर्फ इस बात का कहना था कि शिवराज जी को प्रस्ताव रखने देना था, फिर उसके बाद डिवीजन कराते हैं, उसके बाद कुछ स्थिति हुई, हम हाउस से चले। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दो चीज इसमें सामने रही, मतदान के पहले निर्णय, मतदान के पहले कैसे परिणाम आ जाते हैं, अगर हाउस में 120 लोग कह भी देते मौखिक रूप से कि हाँ हम एनपी प्रजापति जी के साथ हैं, पहले प्रस्ताव के साथ हैं, तो जब वोटिंग होती थी तो वोटिंग फाइनल मानी जाती थी ना डिवीजन वाली, तो ये ध्वनिमत वाला मामला भी जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आप किस बात की पुष्टि करवाना चाह रहे हैं, इसलिए कि वे सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, निर्दलीय लोग, कि हमको कहीं ना कहीं मंत्री बना दें, इसलिए खामोश बैठे थे। और हम कह रहे थे कि मतदान अगर होता तो अंतरात्मा की आवाज से निकल के आता कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन के कुंवर विजय शाह स्पीकर बन जाए। मतदान तो हुआ नहीं, मतदान हमारी अनुपस्थिति में होगा मतदान, नहीं तो आप क्यों अनुपस्थित हो गए, आपने आपकी प्री प्लानिंग थी कि हमें गवर्नर क्या जाना है, विरोध प्रकट करना। हमारा एक ही विषय है कि कार्यसूची को आप देखेंगे, मैं लेकर के भी आया हूँ, हाँ। इस कार्यसूची में क्यों नहीं शिवराज जी को आमंत्रित किया गया, वे भी एक प्रस्तावक थे, उनका भी एक उम्मीदवार था, हमारे दल का भी एक उम्मीदवार था, क्या उनका प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं समझी प्रोटम स्पीकर महोदय ने, सचिवालय ने, क्यों उसको इग्नोर किया गया, जो सामने वाले पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए सीधा सीधा कह दिया कि आप मैंने सुना प्रोटेम स्पीकर जी क्या बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये विनिश्चय करेगा, कौन विनिश्चय करेगा, 1, 2, 3 और 4 जिन चार लोगों ने प्रस्ताव किया वो विनिश्चय करेंगे। वहां कैसे विनिश्चय हो जाएगा, मौखिक मतदान होता है कि राइटिंग में मतदान होता है, डिवीजन की बात आई थी, कांग्रेस के लोग गए कि नहीं गए डिवीजन करने के लिए, डिवीजन में अगर संजय जी बोलते हैं जो भी बसपा के थे, संजय कुशवाहा, तो कुशवाहा जी के कहने पर डिवीजन हो गया, और हमारे कहने पर हमारे उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार का नाम ही नहीं ले रहे, प्रस्ताव ही नहीं पढ़ने दे रहे, प्रस्ताव को प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया, उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी बताने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, जब आप लोग इसको काट देते, खाली चार लोगों का कर देते, आप लोग सदन के बाहर तक गए ही हैं, गए ना, इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि हम मतदान कराने के लिए भी तैयार हैं, वो आए, नहीं नहीं देखिए ऐसी कोई बात रिकॉर्ड में आई नहीं, मतदान कराने की कोई बात आई नहीं है, हमारा तो शुरू से कहना अभी भी कहना है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, परंपरा और प्रक्रिया का इसमें इग्नोर किया गया है, कार्यसूची का पालन नहीं किया गया है, सचिवालय से बड़ी गंभीर त्रुटि हुई है, मैं भी तीसरी बार का विधायक हूं त्रिपाठी जी जी, त्रुटि कितनी हुई नहीं हुई बाद में साणी जी से पूछेंगे, लेकिन डंग साहब आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों कर दी, ऐसा यशपाल जी ने कहा। जैसा कि यशपाल जी और ईशरानी जी ने जो बातें बताई है जी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सत्ता में थी जी, उनको अभी विपक्ष में बैठना हजम नहीं हो रहा है जी, वो मन बना चुकी है कि हम इधर कैसे आ गए, इसलिए अपन को पहले दिन से पहले ही क्षण से इनका विरोध करना है, और ये अच्छी तरह जानते थे कि बहुमत कांग्रेस के पास है, खाली हंगामा करना उनकी एक मकसद था, और जब गोविंद सिंह जी और सबने जब चार प्रस्ताव आए, उन्होंने गोविंद सिंह जी ने पूरा हवाला कानून का दिया कि पहले प्रस्ताव पे अगर चर्चा अगर आप मान जाते हैं कि ये अध्यक्ष हैं, अगर नहीं होती है तो उस पर वोटिंग होगी, पर पहले प्रस्ताव पे चर्चा हो जाए, पर कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि नहीं हमारा प्रस्ताव जान करके इसलिए लिया जाए, ये जानते थे कि अगर वोटिंग हुई और वोटिंग से भागने का भी कारण था, इनको पता था कि अगर वोटिंग हो गई तो हमारी पोल खुल जाएगी, लगातार ये कांग्रेस को अल्पमत की सरकार जो बोल रहे थे कहीं ना कहीं इनको पूरा पता पड़ चुका था कि विगत दिनों में एक भी विधायक इनके साथ जाने को तैयार नहीं था, न तो सपा न बसपा न निर्दलीय न कांग्रेस, इनकी पूरी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई थी, इसलिए इन्होंने विधानसभा से वॉकआउट करने की सोची, क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर पोल खुल गई, गोविंद सिंह जी को हम पूरा सदन जानता है, उन्होंने जब पर्चा उठा के बताया कि कानून के तहत जब पहले प्रस्ताव पे चर्चा हो जाएगी, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो हम दूसरे प्रस्ताव की बात करेंगे, और ये चारों प्रस्ताव लगातार सत्ता पक्ष के ही थे, चारों प्रस्ताव दे सकते हैं ना, चार अलग अलग दल के, अगर सपा के हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय हैं और कांग्रेस है,
जब चार दल जब किसी का समर्थन कर रहे हों तो हर आदमी ये चाहेगा कि हमारी तरफ से भी उसका प्रस्ताव रखा जाए। जब चार दल जब मिलकर उसमें प्रस्ताव रख रहे हैं तो इनको डर किस बात का था? अगर इनको प्रस्ताव रखना था तो ये भी रख सकते थे, पर पहले प्रस्ताव पे निर्णय होता तो ये दूसरा प्रस्ताव भी उसका मान्य हो जाता, पर इनको वोटिंग से डर लग रहा था इसलिए गोविंद सिंह जी ने कहा हम वोटिंग कराने को तैयार हैं। तो क्या कारण था? इन्होंने सुना हमारे सामने हाउस में ये भी थे हम भी थे, इनके जब वॉकआउट कर रहे थे जब गोविंद सिंह जी ने उठ के कहा हम मतदान कराने को तैयार हैं, पर इनको पता था कि हम यहाँ पर मुंह के ओंधे मुंह गिरेंगे इसलिए यहाँ से बाहर निकल गए और मीडिया के सामने जो प्रदर्शन करा खाली जनता को बताने के लिए हम के विरोध कर रहे हैं और अन्याय हुआ है, जबकि कांग्रेस ने अपना मजबूत पक्ष आज मध्य प्रदेश में रखा है। नहीं, वोटिंग कराने से तो इनकी ही थूथू हो रही है, क्योंकि अभी तक ये ईशानी जी बता रहे हैं 1967 में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी कि वोटिंग हुई थी, उसके बाद से कभी वोटिंग इसलिए नहीं हुई। हालांकि ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत नेक टू नेक मामला है, 114 का मामला है। और आपने कहा कि इनकी प्लानिंग फेल हो गई, इनकी प्लानिंग क्या थी? इनकी प्लानिंग यही थी कि हम इनको निर्विरोध वोटिंग ना हो, ये तो खुद चाहते थे। इनकी प्लानिंग थी कि अगर वोटिंग हो जाएगी तो हमारी पोल खुल जाएगी, इनके पास बहुमत है, इसलिए इन्होंने यहाँ से जाकर वॉकआउट करा और इनकी प्लानिंग जो थी वो फेल हो गई। चलिए, प्लानिंग आप बताएं ना बताएं, सेहरा भैया से पूछ लेते हैं। सेहरा भैया जी, प्लानिंग के तहत क्या आपको कुछ ऑफर आया था बीजेपी की तरफ से? कृपाणी साहब, आज का जो वाक्य है उसको मैं एक शेर से पहले बतलाना चाहता हूँ। चलिए, शेर सिंह शेर नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सेहरा भैया शेर पहले बोलेगा जी, कि तस्बी को तोड़ने में इनका ही हाथ है जी। तस्बी मतलब माला जी, जिससे मतलब बीजेपी का। हाँ जी, तस्बी को तोड़ने में इनका ही हाथ है, जो रो के कह रहे कि दाने बिखर गए, जो कानून को 15 साल से प्रदेश को चला रहे हैं आप जी। और ये जो ड्रामा था पूरा, ये वेल प्लान प्री प्लान वेल रिहर्स, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल हुई थी और बहुत तरीके से उसको पुटअप किया गया था, क्योंकि पूरी पूरा मध्य प्रदेश का पूरा देश जानता है कि बीजेपी की आवाज सिर्फ 109 लोग है, 109 विधायक है और कांग्रेस के आज 121 है। बस पब्लिक को दिखाने के लिए कि विरोध करना ही करना है, सिर्फ विरोध करने के कारण इन लोग ने आज विरोध किया, क्योंकि जो जब संसदीय कार्य मंत्री ने चार प्रस्ताव आने के बाद, समर्थन होने के बाद उनसे निवेदन किया कि पहले चार प्रस्तावों पर चर्चा किया जाए, विचार किया जाए और फिर अगर प्रोटेम स्पीकर का लगेगा तो भी पांचवा प्रस्ताव लेंगे। लेकिन ये लोग शुरू से ही पक्के थे कि हमको आज विरोधी करके वॉकआउट करना है, क्योंकि वॉकआउट करने से ही उनको फायदा था। अगर चुनाव लड़ते तो क्लियर था, चुनाव लड़ने की ताकत नहीं थी, सोच थी, दिखाना था कि चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन ताकत नहीं थी उनका, नंबर गेम नहीं था, पूरे नंबर नहीं थे। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, बीएसपी ने सपोर्ट किया, सपा ने सपोर्ट किया और आने वाले समय में कांग्रेस का साथ हम देने वाले हैं और ताकत के साथ गरीबों, किसानों और महिलाओं के संरक्षण की बात करेंगे। लेकिन सेहरा जी, यहाँ त्रुटि तो कहीं देखिए, ईशानी जी इसके पुरोधा माने जाते हैं संसदीय ज्ञान के, उन्होंने थोड़ा सा ये हिंट की है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा कहीं न कहीं कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, त्रुटि हुई है। लगातार चार प्रस्ताव सत्ता पक्ष के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके लिए ही रखा गया, शिवराज जी का अगर दूसरे पे प्रस्ताव होता तो हो सकता है ये वॉकआउट नहीं करते। नहीं, साईं साहब का मैं आदर करता हूँ, उन्होंने जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी। जब कानून के हिसाब से लॉ के हिसाब से चल रहा था तो सिर्फ बीजेपी को थोड़ा सबर करना था जी, बीजेपी सबर करने की इच्छुक ही नहीं थी, क्योंकि अगर कानून चलते रहता तो उनकी जो प्लानिंग की थी एक दिन पहले वो पूरा फेल हो जाता। अगर चार प्रस्तावों के बाद हमारे आदरणीय प्रोटेम स्पीकर ने निवेदन किया था उस पर विचार किया जाए, उस पर चर्चा की जाए, तो उसके पहले ही बीजेपी के लोग उठ के खड़े हो गए कि हमारा पांचवा प्रस्ताव लिया जाए फिर बात करेंगे, जबकि ये अधिकार है प्रोटेम स्पीकर का कि वो कब विचार करवाए या कब आगे विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ाए। यही तो अधिकार भी आरोप लगा रहे हैं सेहरा जी। नहीं, उनका पूरा अधिकार है। आप प्रोटेम स्पीकर सोची समझी रणनीति के तहत दीपक सक्सेना जी को बनाया, जबकि गोपाल भार्गव सबसे सीनियर थे उनको नहीं बनाया, जिससे मनमानी कर सके, यही आरोप से अशपाल जी लगा रहे हैं। अशपाल जी, यही है ना? बिल्कुल, वरिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा गया, वो भी प्रोटेम स्पीकर का भी इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ और वो भी गुटबाजी के आधार पर हुआ। अगर ऐसा ही था
तो माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसेवक आप जो भी कह रहे हैं, और वो फिर चार बार से अधिक बार वाले कांग्रेस की उन्हीं के दल, चले गोपाल भार्गव जी को एक तरफ कर दीजिए कि प्रोटेम स्पीकर हमारे विचारधारा के थे, बीजेपी के थे, हाँ। तो कांग्रेस से विशाल को साहू साहब को बना सकते थे, और इसी आपाधापी में ये इस क्रम को तोड़ा गया, इस क्रम को छोड़ा गया, और घटना की जो पार्टी जिसको चुनती है, जिसको मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे वो बनाते थे, आज जो ये सत्ता अगर है शपथ ली है आज, जैसे भार्गव जी को बनाया आपके नरोत्तम मिश्रा जी भी उसमें, अरे जमुना देवी जी से हमने शपथ ली है, जमुना देवी जी से हमने शपथ ली है, प्रॉब्लम है केडी देशमुख जी सबसे सीनियर नहीं थे, नहीं हमारा देखिए सात बार के थे, लेकिन यशपाल जी मैं आपसे दल के सात बार के थे, दो बार के नहीं थे त्रिपाठी जी, आपने तीन बार या दो बार के नहीं थे, ज्यादा सीनियर आपने सदन की मर्यादा, गोपाल जी भार्गव को एक शब्द मैं अभी ये कहना चाहूंगा, इसराइली जी का आप बोल रहे त्रुटि हुई है, त्रुटि का शब्द उन्होंने उपयोग नहीं कहा, उन्होंने कहा वो अपनी अपनी प्रकार से दो ही दल सोच रहे थे, कांग्रेस ने जो कहा है कि भाई पहले प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए उसके बाद दूसरा आ जाएगा, ये कांग्रेस की सोच थी, पर ये चाहते थे कि नहीं चर्चा नहीं और हम भाग जाए यहाँ से, इसराणी जी से पूछ रहे थे, इसराणी जी क्या जैसा बोल रहे हैं, हमने जो समझा हो सकता है गलत समझा हो, कि आपने कहा विधानसभा सचिवालय का ये अपना है, वो किस तरह किया उन्होंने, क्यों किया, त्रिपाठी जी हम शिवराज जी का क्रमांक डाल देते, तो इसराणी जी से ही पूछ लेते हैं ना, नहीं देखिए क्या है, मैंने कहा ना कि अलग अलग समय पे अलग अलग परंपराएं रही हैं, अब जैसे 67 की बात अपन करते हैं, 67 में आखिरी चुनाव हुए थे जी, तो 67 के बाद 76 में नियम चेंज किया गया जी, 67 में बैलेट पेपर था जी, अब 67 के बाद 76 में विधानसभा ने अपने नियम खुद चेंज कर दिए कि बैलेट पेपर नहीं होगा अब जी, इसके बाद भारत सरकार ने भारत सरकार की जगह क्या किया, 76 भारत सरकार की बैलेट पेपर की जगह करा कि मत अपना मत विभाजन अपने अपने ये जो अपना जो नहीं वो अपना हाँ नामे या नाम और सिग्नेचर करके उसमें मतलब ओपन रहेगा, कहने का मतलब ओपन बैलेट की बात आई जी, ओपन बैलेट की बात आई, देखिए क्या हुआ है, देखिए त्रिपाठी जब मैं बात को और क्लियर कर दूं तो हुआ ये कि बीजेपी ने एक पत्र आज सवेरे या कल शाम को दिया जी विधानसभा सचिवालय को जी, उन्होंने कहा कि बैलेट पे गोपनीय मतदान कराया जाए 67 के समान जी, अब वो बात जब खुली या जो बात आई तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया जी, कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, तो ये बात जब बीजेपी के नेताओं को ये मालूम पड़ी कि देखिए ये नियम अब नहीं है जी, अब नियम बदल गया है, अब क्या होता है, देखिए व्हिप जहां लागू होता है जी, जहां व्हिप लागू होता है, जैसे राज्यसभा का चुनाव है जी, राज्यसभा के चुनाव में जैसे व्हिप जारी होता है, तो अब आपको ओपन बैलेट करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने वोट किसको दिया है, पार्टी को जानने का अधिकार है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे व्हिप के खिलाफ जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो ये अब ओपन हो गया है, अब गोपनीय बैलेट वाली बात खत्म हो गई, अब बैलेट पेपर के अंदर से मतदान पेटी में डालने वाला काम खत्म हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का निर्णय आ गया, चुनाव आयोग का निर्णय आ गया, लोकसभा में प्रक्रिया बदल गई, मध्य विधानसभा में प्रक्रिया 76 में बदल गई, ये बात जानकारी न होने की वजह से इन्होंने एक चिट्ठी दे दी आज, अब वो चिट्ठी जैसे ही आई तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, माननीय गोविंद सिंह जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये एडवोकेट जनरल की राय है, ये विधि विभाग की राय है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, ये चुनाव आयोग की राय है, और ये ओपन ही होगा जी। तो इन्होंने अपना स्टैंड बदला जी। सच बात ये है जी, बहिष्कार कर गए जी। और, हाँ। तो ये, लेकिन हाँ ये बात जैसे बात दूसरी बात ये है कि भाई देखिए प्रक्रियाएं अलग अलग समय पे अलग अलग रही हैं, अब ये प्रोटेम स्पीकर और प्रमुख सचिव विधानसभा की क्या सहमति बनी है, तो उन्होंने आप चार के बाद एक क्यों छोड़ दिया, ये अब ये उनके ऊपर है, वो झगड़े की प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए फिर दूसरी की बात, लेकिन यशपाल जी तीन उम्मीदवार होते हैं, चार उम्मीदवार होते हैं, एक के बाद एक प्रस्ताव, देखिए त्रिपाठी जी कांग्रेस ने फिर ये बताने की कोशिश करी है एक उम्मीदवार के साथ साथ जो अन्य प्रकार के प्रस्ताव को समर्थक डालने की कोशिश करी, को बांध के रखा हुआ था,
इस बात को लेकर के सबको लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि तेरे को मंत्री बना दिया जाएंगे, निर्दलीय को भी इसी बात को लेकर बसपा सपा को भी ये आश्वासन देगा। इसलिए अगर मतदान हो जाता है, एससी समाज के आदमी को आज अध्यक्ष बनाया गया, बीजेपी उसको शायद स्वीकार नहीं कर पाई, तकलीफ हो गई। यशपाल जी यहाँ जो कांग्रेस ने यही कर इस देश में फूट डालो राज करो की नीति खास कर आज यही हुआ। ये आपसी समाज के व्यक्ति को जब आपने प्रस्ताव बनाया आदरणीय कमलनाथ जी ने, तो आपको आपको बचा नहीं पाया। कांग्रेस ने वर्ग विभाजन किया है, यशपाल का बहुत मुद्दा अलग चला जाएगा। लेकिन चला ना एक मिनट यशपाल जी, कल ही आपके मोहन यादव जी विधायक ने कहा कि मैं एसटी आदमी को एसटी वर्ग से जुड़े आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, जो भी कांग्रेस नहीं बर्दाश्त कर रही। अब आप उनको बोल रहे हैं कि वर्ग विभाजन, आप ही के मोहन यादव कल के कह के गए हैं। मोहन यादव जी क्या कह गए, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरी विचारधारा बता रहा हूँ। शिला भैया ने सीधा जिस प्रकार से, लेकिन यशपाल जी वो असंधी है, वो असंधी ना एससी की होती है ना एससी की होती है। यशपाल जी सम्मानजनक वो सदन का वो जो असंधी है वो पवित्र असंधी है। यशपाल जी कोई एससी एससी सामान्य का सवाल नहीं आता। एक सवाल हमारा है, एक तो इसराणी जी ने जो कहा, मैं वो जो कह रहे हैं मैं उन्हीं से समझ के सवाल कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, विधानसभा की रिपोर्टिंग की है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन इसराणी जी से ही सोच समझ करके पूछ करके ज्ञान वो प्राप्त करता रहा हूँ। आपसे ये कि जो उन्होंने कहा 1966 के नियम, ये आपको नहीं मालूम था, इसलिए आप आज सुबह देने क्यों गए कि 76 के नियम बदल गए हैं, व्हिप जारी होगा, आपको उम्मीद थी क्रॉस वोटिंग होगी, कांग्रेस के नाराज लोग आपको वोट कर सकते हैं, ये आपको सुबह मालूम पड़ा। और जब सुबह मालूम पड़ा उसकी सदस्यता चली जाएगी, पार्टी खुद जान सकती है ओपन वोटिंग होनी है, किसको वोट दे रहे हो, तो आपको मालूम पड़ा कि 114 वोट तो कांग्रेस को मिलेंगे ही, साथ में एक निर्दलीय मंत्री है वो भी जाएगा। अब बाकी सेरा भैया बताएंगे यहाँ पे क्यों किधर जा रहे थे, तो इसलिए आपने भैया भी आश्वासन में जी, इसलिए आपने अपना सुबह स्टैंड बदला, स्टैंड ये बदला कि अब तो हमने अध्यक्ष पद का परंपरा तो मैंने तोड़ी है, अब हम इसका बहिष्कार करेंगे, ये हुआ एक्चुअल में। यशपाल जी नहीं त्रिपाठी जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बाइकाट का सवाल ही, अगर बाइकाट की स्थिति बनती और हमारी अगर स्थिति दयनीय स्थिति होती, हम फॉर्म ही क्यों इशू करवाते, हम उम्मीदवारी को डिक्लेयर करते, कार्यसूची में आने से पहले विड्रॉ कर लेते। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमको क्यों अवसर नहीं दिया गया है जी। इतना पटन स्पीकर को इतनी क्या जल्दी पड़ रही थी तो उन्होंने उन्होंने मेरी बात सुनिए, प्रोटेम स्पीकर खड़े होकर के लगभग एनपी प्रजापति जी को निर्वाचित घोषित करने की मानसिकता में आ गए थे वो, इसलिए मैंने कहा। एक गौर से हमारे साथ दर्शक है राहुल प्रजापति जी, राहुल जी स्वागत, सवाल करें। सर मेरा डंग साहब से सवाल है जी। जी डंग साहब उज्जैन संभाग के कांग्रेस के एकमात्र विधायक रहे हैं पिछली बार भी, इस बार भी जी। तो कांग्रेस ने हरदीप सिंह जी डंग साहब को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, तो ऐसा उज्जैन संभाग के लिए ऐसा क्यों? ये डंग साहब बेचारे क्या उत्तर देंगे, हमारी भी आपके साथ सिंपथी है डंग साहब के लिए, और उज्जैन संभाग से एकमात्र जीते थे, अभी एकमात्र संसदीय सरदार जी बोल दूं क्या? राहुल भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं संसदीय क्षेत्र से डन साहब, एकमात्र सरदार जी हमारे साथ हैं, और असरदार नहीं रहे तो फिर कैसा। लेकिन उम्मीद है राहुल जी आपके साथ हम हैं, उम्मीद करूंगा कि असरदार बनेंगे हमारे सरदार जी। सेरा भैया जैसा कि इनको दिव्य सिंह जी ने आरोप लगाया है, आरोप ये लगाया कि हमारे विधायकों को, हमारे निर्दलीय समर्थक विधायकों को तोड़ रहे हैं, उनको आर्थिक प्रलोभन दे रहे हैं, आपको कितने का आर्थिक प्रलोभन मिला थोड़ा सा बताएंगे क्या? नहीं आर्थिक प्रलोभन की तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी हर तरह से चाह रही थी कि हम लोग उनका साथ दें। कैसे आपसे किसी की सीधी सीधी बात हुई? मैं तो हर दिन एक नेता बात करता है, एक उनके साथी उनका दोस्त जरूर बात करता है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ काम करिए। बीजेपी कहा होगा आपने पूछा नहीं क्यों आइए भाई, नहीं कि बीजेपी का 15 साल का अनुभव है, बीजेपी की पॉलिसीज अच्छी है जी। लेकिन मुझे पता है कि बीजेपी ने 15 साल में किसानों का, युवा साथियों का और महिलाओं का संरक्षण करने में बहुत बहुत ही बुरा हाल कर दिया है प्रदेश का। आज युवा साथी बिल्कुल चिंतित है, किसान बिल्कुल बेहाल है, और बहुत हालत इस प्रदेश की बहुत खराब है, आम जनता बहुत डरी हुई सहमी हुई है,
और पूरी उम्मीद कर रही है इस नई सरकार से कि वो बिल्कुल ABCD लिखे, शुरू से चालू करे। और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कमलनाथ जी का कि उन्होंने दो सेम 10 घंटे के अंदर जो कर्जा माफी 2 लाख का किया, उसके उसी कारण से आज हम लोग सब उनके साथ है कि जो उनके वचन पत्र को इस पवित्रता से उन्होंने लागू किया है, हम उनके आभारी है, हम उनके साथ है। और जिस दिन लगेगा कि वो अपने वचन पत्र से अलग हो गए, उस दिन हम जरूर देखेंगे कि हम क्या करना है, क्या कर रहे हैं। माने जिस दिन वचन पत्र से अलग होंगे। हाँ। लेकिन ऐसा लगा वचन कुछ ऐसा भी था कि आपको मंत्री बनाएंगे? वचन नेता उन्हें बिल्कुल विश्वास दिलाया कि क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही कि सबको साथ लेके चलने की है, वो कोई पार्टी का हो। इसलिए कांग्रेस ने हमको वादा किया है कि बिल्कुल आप सबकी सहभागिता सरकार में रहेगी। थोड़ा सा हमको ये हमारी जो कुछ दिन हमारी सरकार के निकल जाए आराम से, उसके बाद आपकी सबके साथ सबको साथ लेके सरकार में आप सहभागिता रहेगी। उसके लिए हम आभारी भी है कमलनाथ जी के और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के भी। बड़ा सौभाग्य होगा कि आज स्वराज एक्सप्रेस चैनल में हमारे संभावित दो दो मंत्री बैठे हैं हमारे साथ, दंग जी भी हैं, सेहरा जी भी हैं। लेकिन सेहरा जी, आपके प्रभाव के चलते, आपके शरीर, आपका जो डील डॉग है, उसके चलते सीधे प्रलोभन नहीं दिया, लेकिन परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन दिया कि हम कितना कितना पैसा दे सकते हैं? मैंने एक दो दिन पहले ही ये बोला था समाज मीडिया के साथियों को कि नहीं, शेरा भी इतना भारी है कि बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं कि उनको खरीद सके जी। लेकिन कुछ प्रलोभन दिया, हम इतना दे सकते हैं, जैसा कि शुरू में आरोप आया था कि 10-10 करोड़ का ऑफर मिला था आप लोगों को। नहीं, वो उस टाइप का कोई ऑफर तो नहीं आया, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर भी नहीं है, मैं इससे बात भी नहीं की उनने। लेकिन मेरे पत्रकार साथियों ने जब पूछा कि ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे, तो मैंने ये बोला था कि मैं इतना भारी विधायक हूँ और निर्दलीय विधायक हूँ कि बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं होगा जो मुझे खरीद सके। लेकिन आपके वजन को कांग्रेस कैसे सहन कर पाएगी जब आप इतने भारी विधायक? कांग्रेस ने मेरे वजन को ही इस्तेमाल करके सरकार बनाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, यशपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में। यशपाल जी, हमारा बहुत बहुत वाजिब सवाल आपसे होगा, लेकिन पहले आप कुछ कहें। त्रिपाठी जी, मैं शेरा भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेबाक टिप्पणी करी उन्होंने दोनों तरह की। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बढ़ चढ़ करके आज खो खो की बात करी, 100-100 करोड़ तक की बात कर दी, लेकिन शेरा भैया ने इस बात को खारिज कर दिया कि वोट मांगने के लिए, समर्थन के लिए सरकार, हमारी सरकार, तत्कालीन सरकार की छवि अच्छी रही है या हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उस बात को लेकर अगर किसी निर्दलीय से कोई मदद मांगे या सपोर्ट मांगे तो वो करप्शन की श्रेणी में नहीं आता है। ये बात शेरा जी ने खारिज कर दी, नंबर एक। नंबर दो, अभी वचन पत्र की बात पूरे ले लेते फिर भी देखिए, त्रिपाठी जी शेरा भैया ने यह भी कहा है कि मुझे आश्वासन मिला है जी। ये अप्रत्यक्ष प्रलोभन है मंत्री पद का जी। इसलिए मुझे लगता है कि वो करोड़ों से भी ज्यादा, जबकि मांगा नहीं गया है। आप खुद कह रहे हैं कि कोई मेरे पास इस प्रकार का ऑफर नहीं आया। मैं शेरा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल से मीडिया में जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, शेरा जी 3-4 बार बोल चुके हैं। नहीं, तो शेरा जी का धन्यवाद दे रहा हूँ ना मैं, इसलिए कि किसी निर्दलीय को अगर हमने हायर करने के लिए पैसा नहीं दिया है, नहीं बात करी, और ये कहा कि हमारी सरकार की पॉलिसी अच्छी रही, आप हमारे साथ आई है, तो किसी मतदाता, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर किसी सरकार की तारीफ करें और सहयोग मांगने के लिए हम निवेदन करें शरद भाई हमारे, लेकिन अभी अभी अप्रत्यक्ष रूप से शेरा भैया भी किसी प्रलोभन में है जो उनको मंत्रिमंडल का। मैंने आपको एक शेर से मेरी बात दी है कि परवाह नहीं जमाने की, जमाना कितना खराब है, देखिए शेरा वही चलेंगे और साफ हो। शेरा भैया, आप भी किसी वादा और वचन में अभी प्रभावित हैं? चले प्रभावित हैं, लेकिन आपके पास इतना संख्या बल नहीं, आप 114 होते तो आपसे प्रभावित हो जाते। मेरा कहना है अगर 7-5 साल देने अगर आने की स्थिति में हो जाते हैं, होता तो सरकार हमारी बन सकती है। नहीं, आपको पूरे के पूरे, नहीं पूरे निर्दलीय, सपा बसपा सब लेते तब आप सरकार बनाने की स्थिति में होते। मायावती जी अगर दबाव नहीं बनाती तो शायद उन बसपा वालों को भी मंत्री की स्थिति नहीं बन रही थी। कांग्रेस में अपने लोगों को दीजिए जिसमें कुटुंब समा है, मुद्दा अलग जा रहा है। यशपाल जी, मुद्दा अलग जा रहा है। अरे गोवा में जो सरकार बनाई है, चलिए तो धन्यवाद भैया, आपने एक सीरियस से खारिज कर दिया दिग्विजय सिंह जी। एक बार यशपाल जी, बड़ा मौजूद सवाल है यहाँ पे
इसराणी जी उस समय मौजूद थे तत्कालीन, मैं आपको बात करूं, अभी का जो अविश्वास प्रस्ताव आपने स्वीकार नहीं किया वो खैर आपने कहा कि हमें इतने विधायकों का जो 10% विधायकों के इसराणी जी कितने अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? 10% 10% विधायकों के सिग्नेचर नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, वो अलग बात है सचिवालय में किसके दस्तखत थे नहीं थे, लेकिन उस दृश्य के हम गवाह हैं जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी शुरू होती है। आपने कहा यशपाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस इस तरह कर रही, यशपाल जी जब चर्चा होनी शुरू होती है और नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं उसी बीच में आपने पूरी थ्योरी पूरी कहानी बना ली थी रात में कि राकेश चौधरी खड़े होंगे और बोलेंगे कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हैं। क्या वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाना चाहिए इसराणी जी? एक विधायक अगर उठ के बोलता है उनके सिग्नेचर भी नहीं थे राकेश चौधरी जी के उस अविश्वास प्रस्ताव में 10% जो होने चाहिए, और अगर वो खड़े होके बोलते हैं कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हैं, इतने में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाना चाहिए क्या? इसराणी जी आपसे पहले पूछ लूंगा फिर सिसोदिया जी से हम बात करेंगे। वो विषय तो आज नहीं है। नहीं, अगर एक विधायक खड़े होके बोल देता है, देखिए क्या है जी भाई, 10% विधायक अगर सहमत है जी तो प्रस्ताव आना चाहिए, सीधी बात है, वो तो नियम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी, और एक विधायक के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको वो स्क्रिप्ट के तहत जो हुआ उसी पे से हल्ला मचाया और माहौल को बदल दिया गया जी। अब बताइए यशपाल जी, रात में स्क्रिप्ट आपने अब क्या लिखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने कोई अंतरात्मा सिर्फ एक विधायक के कहने पे हल्ला मचा दिया और साथ-साथ अंतर अंतरात्मा से राकेश जी ने, वो उपनेता थे मुझे मालूम है, वो अंतरात्मा से बोले, उसके बाद हाउस की जो स्थिति रही अपने आप कांग्रेस सख्त रह गई, उसके बाद अपने आप सख्त रह गई, संख्या के आधार पे हल्ला मचा दिया, के हाथों से तोते उड़ गए, कांग्रेस की जमीन छक गई, ये तो था उस समय। अरे भाई समय, अरे आप अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते, उपनेता को ही पसंद नहीं आ रहा था वो अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया। अरे उपनेता से क्या लेना देना, अपने आप विधायक, अरे 10% विधायक राकेश जी रहे हैं ना, कांग्रेस के वजूद रखने वाले बड़े नेता थे, उनकी बात अच्छा, इसलिए आज नियम का 10% का नियम कहां गया अभी? उस टाइम पे 10% का नियम था, एक व्यक्ति ने अगर उसके कह दिया कांग्रेस तो आप कितनी बड़ी सेटिंग करते हो, सेटिंग का सवाल ही नहीं, कितनी बड़ी सेटिंग बीजेपी करती है ये दुनिया के सामने। आज भी अगर मतदान हो जाता तो अंतर आत्मा, मतदान तो आप कराना ही नहीं चाहते थे ना, अंतर मतदान मतदान आप कराते हैं आपकी फोन, और तो भी कांग्रेस ने मतदान कराया, परंपरा कांग्रेस ने मतदान कराया और ये बता दिया हुआ क्या बहुमत कांग्रेस चयन हुआ, चयन नहीं चयन नहीं मतदान मतदान वोट विकास, आप सदन की कार्रवाई दे सकते हैं, 120 वोट बोलूंगा कांग्रेस को मिला है, मतदान हुआ है, मतदान हुआ है, आप रण को बने हैं, आप रण को छोड़ के गए हैं, आपने सदन को छोड़ के गए हैं, अपने आप अगर वहाँ पर रहते तो आपकी फोन खुलती, अपने आप अरे तो मालूम पड़ती ना, नहीं आप मालूम छोड़ते मालूम पड़ता है कि गोविंद जी ने, आप गोविंद सक्सेना जी ने बोला, स्पीकर ने बोला कि हम बात करने को तैयार है, आपका प्रस्ताव देने को तैयार है, आप छोड़ के जो चले, एक सुहासरा से एक और दर्शक आ रहे हैं जंग जी के यहाँ से, दूसरे दल की मौजूदगी में सुहासरा से एक और दर्शक है, मोहन जी स्वागत, सवाल करें जी सर। हाँ सवाल करें मोहन जी, मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र में एकमात्र विधायक हरदीप सिंह जी दंत है। क्या नाम मोहन जी आपका पूरा, किस गांव से, किस कस्बे से है, किस मोहल्ले से है ये बताइए? मैं पूरा एड्रेस दे रहा हूँ सर आपको, मोहनलाल मेहर नाम है मेरा जी, और पूर्व पार्षद भी रहा हूँ जी, और कुमार मोहल्ले सुहासरा में रहता हूँ जी। आपकी अंतरात्मा से आवाज ये आ रही है कि डंग जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया? जी सर, पूरे क्षेत्र की संसदीय क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए इनको मंत्री बनना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, जिस दिन मंत्री बन जाएंगे आप स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद देने आएंगे? बिल्कुल देने आऊंगा सर। चलिए हमारा आपका वादा रहा, एक मंदसौर से और दर्शक है हमारे साथ, विनोद जी सवाल सवाल करें। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी मेरा एक सवाल था कि हमारे हरदीप भाई को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमारे कान तरस रहे क्या, हम ये खबर सुने? लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मंदसौर से आप बोल रहे हैं।
जी नहीं, सुहासरा के पास में गोर्धनपुरा गांव से बोल रहा हूँ, विनोद नेहरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में भाग ले। लेकिन ये परंपरा तोड़ने की शुरुआत यशपाल जी बीजेपी ने की है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का मुख्य हथियार होता है और सुंदरलाल पटवा से लेकर अर्जुन सिंह ने 2 साल में 3-3 अविश्वास प्रस्ताव झेले हैं। आपके शिवराज जी सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव अजय सिंह लेके आए थे, उसके अलावा उन्होंने दोनों अविश्वास प्रस्ताव आने ही नहीं दिए संख्या बल के आधार पे। इसराइल जी मैं सही कह रहा हूँ? हाँ ये तो सच है। अब बताइए यशपाल जी। नहीं नहीं देखिए, परिस्थितियां क्या बनती है उस आधार को इस एजेंडे से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना कि मतदान का मामला था, उम्मीदवार का मामला था, दल का मामला था। नहीं सदन मेरा सिर्फ आपको पता था कि वोटिंग करने को तैयार है। हरदीप जी मैं आपके बारे में बोलते ना बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, हम सिर्फ कार्यसूची के बारे में बोल रहे हैं। हमको अवसर क्यों नहीं मिला? लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है। मेरा सिर्फ इतना कहना है लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। जब आम लोग चले गए नामांकन ये पहला चुनाव हुआ है जहाँ पर उम्मीदवार को बाहर कर दिया, प्रस्तावकों को बाहर कर दिया और मतदान हो गया और स्पीकर का निर्वाचन हो गया। बहुत बढ़िया, हमारा भी क्यों इशू? आपके पास आपको फॉर्म नहीं देना था, आपको कार्यसूची में अगर आया था तो नाम पढ़ना था। अगर वोटिंग तो भारतीय बात है, वोटिंग तो वोटिंग अगर हो जाती, वोटिंग हुई नहीं हुई है? हुई कौन सी वोटिंग हुई है? 20 वोट कांग्रेस को हुई है ऑन रिकॉर्ड। प्रतिपक्ष के उम्मीदवार के प्रतिपक्ष की उपस्थिति वोटिंग नहीं हो रही है, आप उम्मीदवार का नाम नहीं बताया जा रहा है, आप उसको भेजता नहीं झेल तो हम कर लेते चार प्रस्ताव समर्थक के बजाय एक शिवराज जी का प्रस्ताव लेते, शिवराज जी का प्रस्ताव पढ़ तो लेते, देर आए दुरुस्त आए। अभी जितने भी ये विनियोग विधेयक आएंगे, जब भी बजट से जुड़ा कोई भी विधेयक पास होना होगा आप डिवीजन मांग लेना, और ऐसे समय में जब डिवीजन मांगेंगे, जब भी कोई फाइनेंशियल मैटर आएगा तो सरकार गिर जाएगी अपने आप। आपके पास इतना ही है, डिवीजन मांगे हम 10 साल के विधायक हैं, हमने मौका दिया। आपके पास अविश्वास प्रस्ताव जैसा भी हथियार है 2008 से लेकर के 13 में तो पहली बार जो बना था, तब भी डिवीजन के 2-2, 3-3 स्थिति रही। हमारे पास भरपूर मेजोरिटी थी, उसके बाद भी कांग्रेस को हमने अवसर दिए। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव है, जब भी फाइनेंशियल मैटर आएगा विधेयक पास होना होगा, आप डिवीजन मांग सकते हैं। अधिकार और प्रतिपक्ष का नहीं, अधिकार है। तो अगर जो फाइनेंशियल मैटर होंगे उसमें अगर इनका प्रस्ताव अगर फेल हो जाता है, गिर जाता है, तो इसे भी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, इसराणी जी बताएंगे। इसराणी जी क्या ऐसा होगा? और दूसरा सवाल, आपने अंदाज लगा लिया होगा, इतना लंबा संसदीय ज्ञान है आपको, संसदीय अनुभव है। अब उपाध्यक्ष का पद जिसकी बीजेपी सरकार ने ही शुरुआत की थी 1990 में, पहली बार कि हम उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देते हैं, और श्रीनिवास तिवारी पहली बार विपक्ष के रहते हुए विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे। वो परिपाटी जो पिछले 27 साल से चलती आ रही, क्या आपको लग रहा है ये समाप्त हो जाएगी इस बार? और प्लस ये हम जानना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल मैटर आएंगे उसमें अगर डिवीजन मांगा जाएगा, जब फाइनेंशियल विनियोग विधेयक पास होगा, तो अगर पास नहीं हो पाता है तब की स्थिति में क्या होगा? फाइनेंशियल मैटर में अगर सरकार के खिलाफ मतदान होता है तो सरकार नहीं रह सकती, ये बात तो बिल्कुल गिर जाएगी, ये बात सही जी, है जी। और ऐसा ही 1967 में हुआ था जी। जब गोविंद नारायण शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही थी, गोविंद नारायण सिंह जी ने डिवीजन मांगा था और उससे वो गिर गया था प्रस्ताव, मतलब पास नहीं हो पाया था बजट, तो मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ा था जी। ये एक परंपरा तो है, ये तो नियम भी है और परंपरा भी है और स्पष्ट है ये, क्योंकि जिसको पास पैसा नहीं है खर्चा करने का, वो सरकार चल कर सकती है जी।
बाकी प्रस्तावों पर यह लागू नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर पर तो ये लागू है जी। और दूसरा आपने क्या कहा, जो परिपाटी जो 1940 में है वो तो अब ये तो एक पॉलिटिकल निर्णय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये अब लगता है कि आपके अनुभव के अनुसार कि सत्ता पक्ष उपाध्यक्ष का पद भी विपक्ष को देगी क्या, और अगर देती है तो क्या इसमें भी चुनाव होंगे? नहीं देखो, सत्ता पक्ष अगर देगा तो फिर चुनाव की स्थिति क्यों आएगी? हाँ, और नहीं देंगे तो बोलना चाह रहा हूँ, अगर बीजेपी परंपरागत रहती, परंपरा के अनुसार चलती, तो जिसकी सरकार है उसका अध्यक्ष बनता, तो पक्का था कि आज सरकार विपक्ष उपनेता का पद पक्का बीजेपी को देती। लेकिन परंपरा तोड़ने वाले खुद बीजेपी है वाले, वो जो वॉकआउट कर गए हैं, और चुनाव हो गया है, जब चुनाव हो गया है फिर उपाध्यक्ष का चुनाव भी पक्का निश्चित ही होने वाला है। क्या उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे यशपाल जी? देखिए, मेरा इसमें फिर कहना है, कांग्रेस तो डिक्लेयर कर चुकी है, संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह जी बोल चुके हैं, सज्जन सिंह जी वर्मा बोल चुके हैं, अभी हरदीप जी ने कहा कि नहीं होंगे, अभी शेराज जी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप होगी तो आपके पक्ष में होती ही नहीं है। आज वोटिंग हो जाए घटनाक्रम के बाद अध्यक्ष के लिए भी वोटिंग हो, घटनाक्रम के बाद लोकतंत्र आपको उपाध्यक्ष हमारा विरोध कर दिया। मानसिकता बता रही है जो कहा अध्यक्ष के पद पर अगर बड़ा करते हैं एक एक करके, अरे एक एक, ये सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, कृपया मेरी आवाज सुने। चौदह पर जनादेश नहीं है, 114 114 वाला सरकार नहीं है, 114 वाला सरकार नहीं है, 114 वाला सरकार नहीं है, सदन नहीं है, मेरी बात सुने। अरे अरे त्रिपाठी, आप ये सदन नहीं है, हाजी नहीं है, ये दो बोल रहे हैं, अकेला बोल रहे हैं त्रिपाठी जी। अगर अगर मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, अरे उसके बाद यशपाल जी, हरदीप जी, हरदीप जी एक सवाल, हरदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे अगर इनने परंपरा तोड़ी, एक मिनट यशपाल जी, यशपाल जी एक मिनट, परंपरा इन्होंने तोड़ी, इन्होंने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस क्यों परंपरा तोड़ने जा रही है? परंपरा नहीं तोड़ी, इनका ऑफर दिया कि आप उपाध्यक्ष, जो जैसा परंपरा चलती आ रही है, अध्यक्ष हमारा उपाध्यक्ष, इन्होंने तुमने उम्मीदवार क्यों खड़ा कर दिया? उम्मीदवार इसलिए खड़ा करा कि परंपरा तोड़ने के लिए, और अगर परंपरा तोड़ने के लिए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करा। आप जब परंपरा को आप नहीं मानो, परंपरा को आप मानते हो, तो कांग्रेस को अगर चुनाव लड़का अगर वोटिंग के माध्यम से तो परंपरा की बात आप समय हमारा समाप्त हो रहा है, अरे समय जो है समाप्त हो रहा है। 114 हरदीप जी, आप सत्ता पक्ष में हैं, अब इनको ये काम इनका है।
जायसवाल जी का सत्ता पक्ष में है कल परंपरा इन्हें तोड़ी इन्होंने फॉर्म भरा क्यों अध्यक्ष पद का चलिए ठीक है उन्होंने गलती कर दी मैं और अगर और रानीबाड़ी जी एक एक निवेदन कर रहा हूँ अगर अभी इनको उपाध्यक्ष चाहिए अगर अभी भी इनको उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं तो हमारे सदन के नेता के पास जाके आग्रह करना चाहिए उन्होंने कि हमने एक मिस्टेक हो गई है अब आप हमारे मतलब की बात करने जा रहे हैं इसरानी जी क्या निर्दलीय भी उपाध्यक्ष हो सकते हैं 100% फेरा जी आप उपाध्यक्ष पद लेंगे आपको बता दें आपका वजन अगले 5 साल तक जब तक सरकार चलेगी कम नहीं होने वाला जैसा कि मैंने कहा अगर मंत्री जी का वजन कम हो जाएगा त्रिपाठी जी अगर मंत्री नहीं बनाया तो इनका वजन कम हो जाएगा नहीं होगा तेरा भैया सबसे पहले आ जाएंगे फाइनेंशियल बिल जब भी आएगा तब भी आप कभी भी डिवीजन मांगेंगे सेरा जी के मत का महत्व बना रहे अरे सेरा जी अभी इसलिए दहाड़ रहे सेरा जी अभी इसलिए दहाड़ रहे कि अभी लालीपाप मुंह तक नहीं आया है चले नहीं नहीं बिल्कुल सेरा जी का महत्व नहीं सर लॉलीपॉप हमारे सुल्तान है सेरा जी लॉलीपॉप बीजेपी की जवान जनता नहीं नहीं हमको देंगे भी नहीं आपको आप क्या खाना चाहते हैं चलिए डंग जी एक एक यहाँ पे कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा सेरा जी उपाध्यक्ष के लिए भी तैयार हो रहे हैं जी ये उपाध्यक्ष के लिए मंत्री के लिए तैयार है सदन के नेता जो चाहेंगे आपके जटा सेरा भाई जैसे पीठ है मैं तो ये हाथ परिहास का विषय है ये सदन के नेता तय करेंगे आप लोग तय करेंगे ये तो सेरा जी ने बहुत सारे शेरों शायरी सुनाई इसलिए हमने भी थोड़ा सा बहुत पूछ लिया सेरा जी की हस्ती ऐसे कम नहीं हो सकती मेरी शेर शायरी करना बहुत जरूरी था कि मेरी शेर में इतने दम है कि वो उसका जवाब नहीं दे पाया सेरा जी आपकी तरफ से मैं यशपाल जी को एक शेर सुना दूं क्या इरशाद जरूर से माना कि तेरे सामने मेरी कोई हस्ती नहीं लेकिन सेरा यूं ही बिक जाए इतनी भी सस्ती नहीं क्या बात है सर बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सेरा जी आपको हरदीप जी आपको और इसराणी जी आपको इसपाल जी आपको हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने आपको भी बहुत धन्यवाद आपने बुलाया तो विधानसभा के अंदर और बाहर आज जो तस्वीर देखने को मिली वही अप्रत्याशित तो नहीं थी उम्मीद यही कि जा रही थी कि सत्ता पक्ष नियम कायदों का हवाला देकर कुछ ऐसा ही करेगी जिससे कास वोटिंग न हो उससे बचा जा सके अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान हुआ जिसमें अंततः बाजी कांग्रेस ने मारी हालांकि विपक्ष ने इस बीच जिस तरह से विरोध किया उसे देखकर ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने घुटने नहीं टेके हैं और अब वो नई रणनीति के साथ आगे चल पड़ी है क्योंकि वोटिंग के लिए आगे भी कई मौके आएंगे इसी सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश होना है और आर्थिक मामलों में जरूरी विधेयक पास होते समय विपक्ष डिवीजन की मांग कर सकता है जिसमें भी आर पार की लड़ाई का नजारा देखने को मिल सकता है इसके अलावा विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव जैसा हथियार भी है देखना है कि विपक्ष इस हथियार का उपयोग कब और कैसे करता है बहरहाल आज के लिए इतना ही हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ नमस्कार धन्यवाद